धर्म, संस्कृति और पर्यटन की नगरी काशी में नित नए विकासोन्मुख परियोजनाओं की वानगी चहुं ओर दृष्टिगत हो रही है। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति का ही कमाल है कि यहाँ जन उपयोगी परियोजनाएं लगातार पूर्ण हो रही हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद आज पुनः काशीवासियों को 870 करोड़ लागत की परियोजनाएं सौगात के रूप में मिल रही हैं और 1225 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। गंगा निर्मलीकरण के लिए सतत संकल्पित प्रधानमंत्री जी आज 131 करोड़ 31 लाख की लागत से रमना में 50 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लोकार्पित कर रहे हैं। इससे अब अशुद्ध जल सीधे गंगा में नहीं प्रवाहित होगा तथा स्नानार्थियों को भी सुविधा होगी। BHU के पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में 130 करोड़ की लागत से डॉक्टर हॉस्टल, नर्सेज हॉस्टल और धर्मशाला निर्मित होने से अब मरीजों तथा डॉक्टरों को काफी सहूलियत होगी। 128 करोड़ की लागत से काशी के चप्पे चप्पे पर एडवांस सर्विलांस कैमरों की स्थापना की गई है। अब शहर की सुरक्षा एवं निगरानी और बेहतर ढंग से होगी। 107 करोड़ 36 लाख की लागत से BHU में अंतर विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केंद्र के निर्मित होने से किंडर गार्डन से लेकर स्नातकोत्तर तक के शिक्षकों को काफी लाभ होगा। पर्यटन नगरी काशी में यातायात दबाव को कम करने और जनता के लिए सुंदर पार्क के रूप में 90 करोड़ की लागत से बना बिनिया बाग पार्क एवं भूमिगत पार्किंग किसी उपहार से कम नहीं है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक पुरानी काशी के 5 वार्ड काल भैरव, राज मंदिर, दशाश्वमेघ, गढ़वासी टोला और जंगम बाड़ी में 66 करोड़ 54 लाख की लागत से सीवर लाइन मार्ग के चौका पत्थर को परिवर्तित कर वहां की दीवारों पर मनोहारी चित्रांकन किया गया है। इससे क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे। BHU में 121 करोड़ 24 लाख की लागत से 160 आवासीय फ्लैट निर्मित होने का फायदा अब शिक्षकों को मिलेगा। 25 करोड़ की लागत से 5 सड़कों का पुनर्विकास हो जाने से यातायात सुगम हो जाएगा। टेम्परेचर माप और प्रेशर के कैलिब्रेशन के लिए रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड प्रयोगशाला का निर्माण 9 करोड़ 3 लाख की लागत से पूर्ण हुआ है, जिससे विभिन्न संस्थानों को परीक्षण में सुविधा होगी। सारनाथ के केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान में शिक्षक शिक्षा केंद्र की स्थापना 7 करोड़ 1 लाख की लागत से की गई है। इसकी स्थापना से तिब्बती, पाली, संस्कृत और हिंदी भाषा के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होगा। भद्रासी में 9 करोड़ की लागत से बने आयुष अस्पताल से ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा उपलब्ध होने लगेगी। संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में 5 करोड़ 35 लाख की लागत से सत्संग एवं लंगर हॉल के निर्मित होने का लाभ 1000 श्रद्धालुओं को मिलेगा। चांदपुर के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में 3 करोड़ 55 लाख से स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है, जिससे कम समय में किसान नई प्रजाति प्राप्त कर सकेंगे। नदेसर एवं सोनभद्र तालाब के विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य 4 करोड़ 40 लाख से पूर्ण हुआ है, जिससे भूमिगत जल संचयन होने के साथ ही नागरिकों को भ्रमण की सुविधा भी मिलेगी। ITI करौंदी में 2 करोड़ 75 लाख से बने आवास से अब कर्मचारियों को लाभ होगा। पिंडरा तहसील में 1 करोड़ 64 लाख से बने अधिवक्ता कक्ष का लाभ अधिवक्ताओं को मिलेगा। अब एक नज़र उन परियोजनाओं पर जिनका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। वाराणसी भदोही गोपीगंज मार्ग सुदृढ़ीकरण लागत 269 करोड़। मोहनसराय कैंट 6 लेन 4 लेन सड़क सुदृढ़ीकरण लागत 412 करोड़। बनास काशी संकुल करखियाओं लागत 475 करोड़। रामनगर में बायोगैस विद्युत उत्पादन लागत 19 करोड़। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लागत 50 करोड़ रुपए। शिलान्यास हो रही परियोजनाओं से दुग्ध क्रांति तो आएगी ही, साथ ही क्षेत्र के कृषकों, पशुपालकों एवं कामगारों के लिए रोजगार भी सृजित होगा। इसके अतिरिक्त यातायात, ऊर्जा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी जबरदस्त लाभ मिलेगा। हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता से काशी में निरंतर विकास गंगा प्रवाहमान है।